खंडे रावपुरी और वीर विक्रमाजीत के किस्से में चार वीरों का जिक्र आता है कि राजा वीर विक्रमाजीत के वो चार वीर गुलाम थे, लेकिन जाट महर्षियों ने बताया कि कैसे वो गुलाम करे थे उसने। तो जब दिन लकड़ा और उन वीरों से सामना हुआ, एक बहुत आलिशान महल में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो चार वीर उसके सामने आए और पूछा, कौन है कि तुम्हारी राजकुमारी ने जो शर्त रखी है कि मैं बोलूंगी नहीं, उसको बुलाने के लिए आया हूं। उन चार वीरों ने कहा कि उससे पहले तो हमारे से आपको मिलना होगा, हमारे को जीतना होगा। तो वो चार वीर राजा वीर विक्रमजीत के सामने अपनी ताकत को बताते कि हम क्या हैं और क्या ताकत रखते हैं और कौन कौन हमारे आगे हमारे घर पर हाजिरी मार कर जाते हैं। तो चार वीर अपने बारे में राजा वीर विक्रमजीत को बताते हैं, कैसे क्या बताया बोला, दैया साहब सनी भाई पांच मिनट का समय दे दो, एक बार ऋषि भाई केवल पांच मिनट, बात को समझो, रोड़ा ना रोड़ाओ, ये बातें पहली बार गाई जा रही है और थोड़ा ध्यान दे के सुनो, क्योंकि विशेष बातें और नई बातें और ध्यान से सुनोगे जब समझ में आकर नई बात। तो वह चार वीर राजा के सामने छाती खोल कर खड़े हो गए, नुक्कड़ लगे बौड़े चला जा अपने घर, कड़े की बाजी लगावागा हमारे साथ, यहां तो बड़े बड़े हाजिरी मार कर जाते हैं, स्वयं पवन देवता काम देवता बेमाता भी मारे दौर अपना लेख लिखा के जाती है और तू हमने जितना आ गया वापस चला गया। तो क्या कहते हैं वो चार वीर, हाँ क्या बता रहे, हेरे नु बोला चार वीर, तेरे शमी सा हम कार निराली करी जाना, और जिसका पेटा नहीं भरे हम उसका पेटा भरे जाना, चार वीर तेरे शमी सा हम कार निराली करे जाना, पहलवान जी 500 रुपए पहले गुड़गांव से है मित्र, 500 रुपए और 1000 रुपए उस महान आत्मा की याद में 1000 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, विजेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। पहली कली में बताया कि सोने कौन कौन हमारे पास आते हैं, तेरे चार वीर तेरे शमी स
से हम कार निराली करता ये जिसका बेटा नहीं मरे हम उसका बेटा है जाने तेरे स्वामी से ओ जीत के सामने सारी बातें रख दी और नुबला जो सृष्टि के रचयिता सृष्टि रचने वाले हैं जो लालन पालन करते हैं वो भी हमारे पास आते हैं उनकी भी हमारे ऊपर विशेष कृपा है किसकी अक्षुण हुए कौन है क्या था तीसरी गली में ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਤਰੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਵੀਰ ਤੇਰੇ